हेलो एवरीवन, आइडेंट ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अडानी के ऊपर MSCI ने क्या फीडबैक लिया था, जो अपने इन्वेस्टर्स से उसके ऊपर अनाउंसमेंट किए हैं, तो क्या उसका डिसीजन आया है उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे MSCI ने जो काम किया है वो किया है कि MSCI ने अडानी के चार शेयर्स हैं उनका वेटेज घटा दिया है। और वो चार शेयर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेज है, अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी टोटल गैस है और ACC है। इन चारों शेयर्स का अडानी MSCI ने अपने स्टैंडर्ड इंडेक्स में या MSCI इंडिया इंडेक्स में वेटेज घटाया है। आप देख रहे होंगे कि अडानी टोटल गैस का 1.35% है, अडानी इंटरप्राइजेज का 1.30 है, अडानी ट्रांसमिशन का 0.94 है, और जो अडानी ACC सीमेंट है उसका भी है। तो यहाँ पे इनके अंदर से वेटेज घटाया है। और इतने इतने जो यहाँ पे पैसे लगे हुए हैं उनके इन्वेस्टर्स के, ये इन्वेस्टर्स के पैसे हैं, तो यहाँ पे इन वेटेज घटाने का मतलब ये है कि यहाँ से अपने पैसे निकालेंगे वो। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो MSCI के वेटेज घटाने का असर शेयरों पर ज़रूर से ज़रूर दिखेगा। और यहाँ पे LIC के चेयरमैन ने भी कहा है कि हम भी है वो पूरे मामले या पूरा जो भी संकट आया हुआ है, तो LIC ने कहा है कि हम भी अडानी के टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे और पूरी सफाई मांगेंगे कि ये क्या चल रहा है। अब आपके दिमाग में दो सवाल उठ रहे होंगे कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस, कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और आज अडानी के शेयर्स में क्या करें। तो देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे MSCI काफ़ी बड़ा इंडेक्स है और MSCI को फॉलो करते हैं कई FII और DII, यानी कई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो भी फॉलो करते हैं, और कई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी फॉलो करते हैं, और कई DII भी फॉलो करते हैं। जो MSCI ने इंडेक्स बना रखा है उसके हिसाब से ही वो पैसे लगाते हैं, उसके हिसाब से ही वो बाई सेल करते हैं, सीधा सिंपल हिसाब रखते हैं वो। तो इसका सीधा सा क्या होगा कि यहाँ पे MSCI है वो अब यहाँ से वेटेज घटा रहा है, तो MSCI तो खुद तो सेलिंग करेगा ही करेगा इन चार शेयर्स में। और ये कब होगा कि 1 मार्च से लागू होने की बात करें तो अभी 20 दिन है, तो लेकिन मार्केट थोड़ा सा पहले ही प्रिडिक्ट करता है कि कितना जा सकता है, तो ये कल भी गिर गया था और अभी इसके अंदर फॉलो अप सेलिंग हो सकती है, तो ये अभी पहले ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कि जहाँ तक सेलिंग हो सकती है वहाँ तक कर देगा ये, तो ये खुद तो करेगा ही। लेकिन और जो FII है जो इसको MSCI इंडेक्स को देख करके पैसे लगाते थे, वो भी अपना वेटेज कम करेंगे, क्योंकि उनको उन्होंने भी अपना कुछ इंडेक्स बना रखा होगा, उन्होंने भी इसको देख करके अपने निवेश कर रखे होंगे। तो अगर MSCI घटाएगा तो FII वाले भी अपना पोजीशन घटाएंगे, और अब अगर ये MSCI घटा रहा है तो अदर जो दूसरे म्यूचुअल फंड हैं और FII वाले हैं वो अडानी को अदरवाइज नहीं लेंगे, इसको थोड़ा सा माइंड करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा डीप तरीके से देख करके इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी क्या होगा कि अभी अगर आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं तो अगर कोई उछाल आता है तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना है, क्योंकि 20 दिन के अंदर ये अभी ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है, थोड़ा थोड़ा ही ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और यहाँ पे सेलिंग होती रहेगी, क्योंकि अब उनको पैसे निकालने हैं तो ये एकदम नीचे आ जाएगा तो वो निकालेंगे कैसे, तो उनको लॉस होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएगा फिर निकालेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर निकालेंगे, तो यहाँ से एकदम ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर ऊपर है आपके पास नीचे से लिए हुए तो आप उनको निकालने हैं आपको, और अगर लॉस में हो तो उसका आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको निकालना है या नहीं निकालना है। और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं, और इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।